स्वागत है आपको स्मार्ट कार रिव्यू में। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले 2021 महिंद्रा बेबी थार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, महिंद्रा कंपनी की तरफ से कुछ अपडेट आए हैं जिसमें कि महिंद्रा थार की बेबी थार के बारे में बात हुई है, जो कि आनंद जी ने शेयर किए हैं, जो कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन है। जी हाँ दोस्तों, आनंद जी ने अपडेट दिया है कि महिंद्रा के इलेक्ट्रिक वर्जन पर भी काम करना शुरू हो गया है, तो उसी के बारे में आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपसे 2021 महिंद्रा से जुड़ी तमाम अपडेट आपसे मिस ना। और आपको कोई भी स्मार्ट कार की रिव्यू चाहिए तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल स्मार्ट कार रिव्यू को। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो दोस्तों महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ट्वीट पर काफी एक्टिव रहते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि जब उन्होंने ट्विटर के जरिए लोगों की किस्मत बदल दी है, तो वहीं कई बार मजेदार और फनी वीडियो शेयर कर लोगों से जुड़े रहते हैं। इसी कड़ी में अब आनंद महिंद्रा ने बेबी थार का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो पोस्ट पर लोगों ने आनंद महिंद्रा को नए बिजनेस की सलाह दे डाली है। तो दोस्तों वहीं आनंद महिंद्रा जी ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें एक शाखा बेबी थार बनाता हुआ नजर आ रहा है। आनंद महिंद्रा जी ने बताया कि इस अद्भुत वीडियो को कर्नाटका स्थित मांडिया के गुलूर गांव के पुनीत ने भेजा है। इसके साथ ही पुनीत ने आनंद महिंद्रा को अपनी रुचि के बारे में भी जानकारी दी है। पुनीत को पतंग बनाना, फ्लाइंग पेंटिंग, क्राफ्ट मेकिंग, ड्राइविंग, एडवेंचर कुकिंग का शौक है। पुनीत ने साल 2013 में यानी 2013 में 42x20 फीट की बड़ी पतंग बनाकर लिम्बोका बुक में रिकॉर्ड भी दर्ज करवा चुके हैं। वहीं आनंद महिंद्रा ने इसी के साथ एक और जानकारी दी है। इस जानकारी में उन्होंने बताया कि अमेरिका की आविष्कारशील संस्कृति का एक कारण यह है कि वह कई परिवार अपने गैरेज में ही वर्कशॉप कर अपने शौक को पूरा करते हैं। हमें पुनीत की तरह और भी ऐसे टैलेंट की खोज करनी चाहिए। वहीं आनंद महिंद्रा के इस जानकारी पर लोगों ने पुनीत के इस टैलेंट की तारीफ की। इसके साथ ही कई लोगों ने महिंद्रा को नए बिजनेस की सलाह दे डाली है। वहीं दूसरी तरफ गोविंद स्वरूप नाम के ट्विटर हैंडल से महिंद्रा थार के इलेक्ट्रिक वर्जन को शुरू करने को कहा गया है। वहीं आमिन पवन पारी के हैंडल से एक यूजर ने पूछा कि थार की 7 सीटर कब आएगी। आपको बता दें कि महिंद्रा की न्यू जनरेशन महिंद्रा थार 2020 की डिमांड दिनों बढ़ती जा रही है। इस एसयूवी पर वोटिंग 9 महीने की चल रही है। इसकी शुरुआती प्राइस 11.90 लाख रुपए से हो गई है। तो दोस्तों महिंद्रा मोटर्स की तरफ से आने वाली ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि ऐसी स्मार्ट कार की वीडियो मिले आपको सबसे पहले। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।